रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। फ्रूटी बीसीएल में आज है मुकाबला दिल्ली और कोलकाता का, सो लेट्स वेलकम बोथ। वेलकम टू फ्रूटी बॉक्स क्रिकेट लीग। हमारे स्टार पार्टनर हैं लोमैन पेज 3 और हमारे हेल्थ फूड पार्टनर्स हैं French.us। आज का मैच है बिटवीन दिल्ली ड्रैगन्स वर्सेस कोलकाता बाबू मोशाय। ये दोनों टीम्स का लास्ट लीग मैच है। जहां दिल्ली सबको पछाड़ते हुए दूसरे स्थान पर है, वहीं कोलकाता एक मैच जीतने के बाद है तीसरे स्थान पर। इस डू और डाई मैच में कोलकाता को अपनी बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों में अपना 100% देना होगा। तो आज देखना ये है कि कोलकाता दिल्ली की जीत के सिलसिले को रोक पाएगा या फिर दिल्ली ये बाजी भी मार ले जाएगा। फ्रूटी बॉक्स ग्रिड लीग देखकर आप हम तक अपना कोई भी मैसेज, कोई भी ट्वीट पहुंचा सकते हैं बिटवीन 4:30 PM टू 6 PM सैटरडे एंड संडे। बेस्ट ट्वीट ऑफ दिस वीक फीचर होंगे अगले हफ्ते के एपिसोड में। #FrutiBCL करना ना भूलें, हो सकता है आप जीत जाएं। FrutiBCL स्पेशल मर्चेंडाइज। हे, सबको मिल रहा है, हमें नहीं। अगर मिल जाएगा ना, तुम हैशटैग कर देना FrutiBCL। FrutiBCL ये जो है, ये इतना पॉपुलर हो चुका है कि ये जा रहा इंटरनेशनल। जी हाँ, टॉप 4 टीम्स ऑफ BCL विल गो टू सैन फ्रांसिस्को खेलने इंटरनेशनल BCL। मैच शुरू करने के लिए पहले तो दोनों टीमों के कैप्टन को बुला लेते हैं। कोलकाता बाबू मोशाय से शरद मल्होत्रा और दिल्ली ड्रैगन से जोरदार तालियों स्वागत कीजिए करण वाही। फैंस की एक बार तो यार दिल्ली ड्रैगन को हराओ यार। क्या वो दिन है आज? हाँ, वो दिन है आज। मैच शुरू करें, हमारे अंपायर बाबू के जोरदार तालियां गाइस। एक तरफ है पारो, दूसरी तरफ है देवदास। सर पारो पसंद है। देवदास आ गए। Let the game begin! हम जा रहे हैं ओपनिंग करने और लाइक ऑलवेज हम एक अच्छा टारगेट रखेंगे। अभी हम लोगों ने 180 टारगेट सोचा है, पूरी कोशिश करेंगे, अच्छा खेलेंगे और बैंड बजाएंगे दिल्ली। और ना कोलकाता बाबू मोशाय से मेरे फेवरेट प्लेयर ये हितेन तेजवानी है, बिकॉज ही इज ऑलवेज सो काम। और अगर ये इसी तरीके से खेले तो ये जीत सकते हैं। इनका काला बल्ला भी आज ये लेकर आए। और दिल्ली से अपने पहले ओवर डालने आ रहे हैं आर्यमान। सर पे कफन बांध कर आए हैं एकदम। क्या लगता है आपकी टीम जो है बैटिंग करने जा रही है, कितना स्कोर खड़ा किया जाएगा इनके अगेंस्ट? 120 बना ले हमारा एम है तो बहुत अच्छा है। यार ये कौन सा एम है, ये तो चिल्लर गेम है इनके लिए। उन्होंने 90 भी बनाया, अच्छा खेलते तो क्या, उन्होंने 97 बनाया गेम। लेकिन अकेले करण वाही ने लास्ट मैच में 150 मार दिए थे। हितेन ने भी बनाया था, हितेन वाज गोइंग टू बी द फर्स्ट गाय जिसने 100 बनाया। दिल्ली वालों हल्के मत लो, तुम्हारे करियर BCL में सेट हो सकते हैं लेकिन टीवी इंडस्ट्री में नहीं। हाँ मतलब समझ जाओ। और ये पहली बॉल उड़ती हुई गई आर्यमन की। अब जब मैच चालू हो गया, अब जितने जो बोलना था पहले, बाद में, बीच में, सब खलास। Now we have to play the match. There are two strong teams and we're going to give a good fight, जैसे हमने पिछले साल भी दी थी। और वैसे उनकी टीम में हमारा एक प्लेयर बैठा है, बॉलिंग वो करेगा तो मैं बैटिंग कर रहा हूँ, मजा आएगा। बैटिंग उसको मिलने नहीं वाली क्योंकि नीचे बैट करता है, तो
तो बड़ा अच्छा स्वीट है अपना यार, अगले साल अपनी टीम में लेंगे। ये लोग उसके साथ बड़ा भेदभाव कर रहे हैं। और अब हम जाएंगे हमारे फेवरेट करणवीर मेहरा के पास। करणवीर मेहरा, आपकी पुरानी टीम आज आपके सामने है। तो गेम है यार। बोलो ना करण, आज सामने है निवेदिता, कुछ बोलना नहीं चाहोगे? बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ द टीम। कौन सी टीम चाहते हो कि जीत जाए, दिल से बताओ। केबीएम कोलकाता। अरे वाह निवेदिता, ये क्या बात, क्या है, सब लोग आपसे डर के मारे आपके अगेंस्ट, वो कह रहे हैं मैं तो चाहता हूँ कोलकाता जीत जाए। अरे क्या बात है, चुम्मा। चलो फाइनली हितेन की बैट पर एक बॉल तो आई आर्यमन की। शरद, ये दिल्ली ड्रैगन को क्या हो गया है? अभी तो स्टार्ट ही हुआ यार। आज करण भाई ने ओपनिंग ही नहीं करी, वो बोले निवेदिता से इतना डरते कि आई नहीं रहे खेलने। रन, दो रन, चार बॉल के बाद। सर मैं क्या सुन रहा हूँ सर? क्या सुने सर? ये जो बगल की टीम वाले हैं, हाँ सर, खासकर सुयश, हाँ, उसने कहा 20 लाख देगा मुझे। नहीं, हाँ, बोले अगर कोलकाता मुझे हरा दे, हमारी हाँ, टीम को हरा दे, हाँ, तो मैं ये डिक्लेयर कर दूंगा कि सेमीफाइनल हम नहीं खेल रहे हैं। आज इतना तो पहाड़ लेके आए कि हम ये दिल्ली ड्रैगन हैं, तो दे हैव एवरीथिंग टू लूज। तो आज अगर एक आध छक्के भी पड़ गए तो नर्वस हो जाएंगे जैसे पिछले साल भी हुए थे। सुना है कि इंटरनेट पर, ट्विटर पर जो है, हाँ, दिल्ली ड्रैगन की टीम, हाँ, से काफी झगड़ा वगड़ा हुआ है। यार उंगल करने में मजा आता है ना, और स्पेशली जो ज्यादा फुदकते हैं, ज्यादा उंगली करने में मजा आता है। शरद ये बताइए, आप इतने हिट हैं, मतलब आपके साथ ओपनिंग क्यों नहीं करी? ओपनिंग ये कर रहे हैं, अच्छी ओपनिंग है वो। मेरे को लगता है ये अलग से खेलना चाहती शरद के साथ क्रिकेट। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। और पहले ओवर के बाद स्कोर हुआ है 11 रन्स फॉर नो लॉस। और अब बॉलिंग डालने आ रहे हैं करण, तो देखना ये है कि क्या करण ये विकेट लेके कोलकाता पे प्रेशर बना पाएंगे। सिक्स। निवेदिता, आपका बेस्ट फ्रेंड आपकी टीम को छोड़ के चला गया। ये यहाँ खड़े हैं। अच्छा, अब आपने मेहरा को बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाया, पर आपको वो छोड़ के तो चले गए, क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? सेटिंग है, सेटिंग। पर ये ऐसी कैसी सेटिंग है कि देखो आपकी टीम में कैप्टन थे, उधर जाके सिर्फ सीट गरम कर रहे हैं। फाइट बैक यार, तेरी क्या बोले आ रहे हैं, कुछ तो बोल। पहन कर आया हुआ है मेरा। भाग के भाग के भाग के भाग के आ जा। सीलिंग से बॉल नीचे आने को तैयारी नहीं हो रही है। सिक्स। बीसीएल रूल के मुताबिक अगर बॉल हिट करने पर सीलिंग पर अटक जाती है तो बैट्समैन को 6 रन दिए जाएंगे। और ये आदेश चौधरी ने कैच पकड़ लिया है। तुम्हारी टीम के बारे कह रहे सारे पुराने चावल हैं। ये तो है ना, मैंने बोला ये नए आम है जो अभी पके नहीं है, पर हम पके हुए हैं, कोई ना, पके हुए आम ज्यादा मीठे रहते हैं। सारे सीनियर प्लेयर, इनके बस का कुछ ना है हमसे खेलने का, हम यंग टीम है, यंग खून है, यंग ब्लड। अभी जब तक मैं बैटिंग करने आ रहा हूँ, 7 बॉल में 23 है। चले लाचार्य, कोलकाता बाबू मोशा इससे अगले प्लेयर। ये क्या है और ये क्यों है? क्योंकि ऐसी सारी चीजें लोगों ने इंस्टाग्राम पे हमारे लिए लगाई थी, तो हमने सोचा इस मैच को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। किशोर, वापस से तुम डगआउट में आके बैठ गई हो, एक बात बताओ, तुम्हें डगआउट में बैठना बहुत अच्छा लगता है क्या? बहुत। सारी टीम के डगआउट्स में आके बैठ जाते हो आप? हाँ, मतलब काम नीचे आपको? नहीं है? मुझे बैठ के पैसे कमाने में बहुत मजा आता है। निवेदिता, हाँ?
या आपने सुना कैसे पंगे ले रहे हैं आपके साथ लोग यहाँ पे? यार हमें काम भी है ना, हम सिर्फ यही करने थोड़ा आए हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे देख के लगता तो नहीं क्या काम है? देखिए हम किसी टीम के खिलाफ नहीं बोलते, हम अपनी टीम को बोल रहे अच्छा खेलिए, दैट्स इट। मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर बाद ये मैच निवेदिता वर्सेस किशोर हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसी के साथ स्कोर हुआ है 25 रन्स एक विकेट के नुकसान पर। और अब आर्यमान आ गए हैं बॉलिंग पे, देखो क्या ये भी विकेट ले पाएंगे। इजी। नो बॉल। शाबाश। कोई नहीं, टप्पा। ये गोली किसको मारी जा रही, किसकी हिमाकत है ये? तो यार क्या है, दिस ऑल इज ए ट्रोल कहते हैं, ट्रोल। और ट्रोल मजे लेने के लिए होता है। अरे बहुत सीरियसली लिया है इन्होंने। कहा है सुयश ने आके यहाँ पे मुझसे, अगर बॉस कोलकाता हमें हरा दे तो मैं सैंपल से वॉकआउट कर जाऊंगा। अब क्या पता यार, ये बात उसके ऊपर भारी पड़ जाए। कैच इट, इट्स अ फ्री हिट। अरे यार दुरन, निवेदिता बासु का कहना था आपकी टीम ओनर का कि करमवीर मेहरा को जो है नेक्स्ट टाइम अपने टीम में ले आएंगे। ऐसा है कि वो इस साल यहाँ बैठे हैं, हो सकता है अगले साल यहाँ बैठ जाएं। नहीं बैठ जाएं, लेकिन उनके आने से ऐसा ना हो जाए कि आप ही कप्तानी जो है वो थोड़ी सी देखिए पड़ जाए। किसका शो चल रहा है अभी? आप ही का चल रहा है बस, तो कौन बैठेगा फिर यहाँ पर? वही बैठेंगे बस फिर। जो हिट है वो फिट है, इनका क्या हाल है? इनकी टीम में किसी का शो नहीं चल रहा, एक दो लोगों का चल रहा है ना। अच्छा वो दिखाई नहीं देते शो पे। मेरा पूरा आ रहा है ना BCL में। सेकेंडरी और ये छक्का लगा है। ये वाइड बॉल हो सकती थी बट नहीं हुई। ये देखो ये टीम बगल में बैठी है जो आपसे पंगा ले रही है। अन्नपूर्णा देवी से कोई मतलब कोई अगेंस्ट खड़ा हो सकता है? बट आपको उनको ये तो देना पड़ेगा, उनके पास टाइम बहुत है, उन्होंने पोस्टर बना बना के हमारे को आके दिए। करणवीर मेहरा के चांसेस ब्राइट हैं दोबारा आपकी टीम में आने के? ऑफ कोर्स, उसने तो अपने मुंह से बोल दिया कि यार आ रहा है। जब आएगा तो शरद मल्होत्रा की कप्तानी पे जरा नहीं, शरद तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कितने दोस्तों को कैप्टन बनाएंगे? वो बचपन का है मेरा, अभी का है। और जा अरे वाला बॉल है अरे मन, ब्रिलियंट बॉलिंग बॉय। ओवर। और इसी के साथ स्कोर हुआ है 37 for 1 wicket। बॉलिंग करते हुए पहले 4 ओवर्स में एक ओवर लड़की को करना जरूरी है। फिरोजा आ रही है। सलील फेस करेंगे फिरोजा की बॉल। कैच इट। ठंडनी की होवे। सब ভালোই হবে। আমি তোমাকে ভালোবাসি। इनकी क्या जरूरत, क्या मजाल। निवेदिता बासु की टीम के साथ ये पंगा ले। आई थिंक पागल हो गए, घर बैठ बैठ के सब लोग अब काम धंधा है नहीं, आई थिंक यही सोचते रहते हैं। भी जो है बहुत नाराजगी दिखा रहे थे। हम लोगों ने भी ट्विटर पे जवाब दिया, बट हमारा इंटेंशन होता है कि हमारी टीम अच्छे खेले, हम किसी को कुछ बुरा विश नहीं करते। और ये जो टाइम पास आप कर रहे हो, पोस्टर निकालो ये निकाल रहे हो, मुबारक हो, कोई प्रिंटिंग बिजनेस का खोल लो साइड बिजनेस। इसी के साथ स्कोर हो चुका है 65 for 1 wicket। तुम नए हो, तुम्हें 2-4 चीजें बताना बहुत जरूरी है। बताओ। वो ऐसा है। कैसा है? कि यहाँ पे फ्रूटी पियो, चाय बिस्किट खा लो। अच्छा। लेकिन लड़की मत टालो। क्या है, मेरा एक दोस्त हुआ करता था, सुमित था उसका। घर पे बहुत कोड़े पड़े हैं, मुझे पता चला है। बहुत
बहुत ज्यादा लड़की ताड़ने पे। अरे मतलब पकड़ा गया है। क्यों करता है वो ऐसा? लोग रंगे हाथ नहीं वो नंगे हाथ पकड़ा है। ओवर 5 या 6 बैटिंग टीम इन दोनों ओवर्स में से किसी एक ओवर को चैलेंज ओवर डिक्लेयर कर सकती है और चैलेंज ओवर में बैटिंग टीम बॉलिंग टीम के किसी एक बॉलर को चैलेंज कर सकती है। अगर चैलेंज पूरा हुआ तो बनाए गए रन हो जाएंगे दुगने, नहीं तो मिलेंगे आपको 0 स्कोर। चैलेंज हुआ, बॉलर नेम करण भाई, 12 रन टारगेट। देखना ये है कि कौन ले जाएगा ये चैलेंज ओवर की बाजी मार के, कोलकाता या फिर दिल्ली। 12 रन का चैलेंज ओवर, वो भी करण भाई को। नाम गलत तो नहीं दे दिया? करण मेहरा की जगह करण भाई, बिल्कुल सही नाम करण भाई को ही दिया है। तो ये कौन से वाले कैप्टन का डिसीजन? ऐसा तो नहीं कि मतलब ओवर एम्बिशियस हो गए हैं। राइट अ मोर टू यू। अब सलील फेस करेंगे चैलेंज ओवर की पहली बॉल, लेट्स सी क्या होता है। चैलेंज ओवर की पहली बॉल पर छक्का। ये आपकी टीम ने जानबूझ के लिया है ना करण भाई को ऐसे चैलेंज ओवर में, ताकि मुंह तोड़ जवाब दे सके। वो कैप्टन भी है और ओवर कॉन्फिडेंट भी, ऐसा कह रहा है आपकी टीम वाले। एग्जैक्टली, मुझे लगता है ये टीम अच्छा खेलती है, डेफिनेटली, नो डाउट बट बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जो चार्म है उनका वो खत्म हो जाता है। अगर तुम अच्छा खेलो तो तुम्हारा प्रदर्शन दिखता है, पब्लिक तुम्हें ऑटोमेटिकली अप्रिशिएट करेगी। बट तुम अच्छा करने के बाद भी तुम अपनी वाहवाही करते रहो, जो करण भाई एंड ऑल द टीम दे आर डूइंग इट, दैट इज रॉन्ग। अब 5 बॉल्स 6 रन चाहिए चैलेंज कंप्लीट करने के लिए। नो, और ये थी चैलेंज ओवर की दूसरी बॉल जिसपे कोई रन नहीं मिला। शरद, तुम कुछ कह रहे थे, अगर 12 रन हो गए तो वही डांस करेगा लड़कियों के साथ। अगर 12 रन हो गए तो वही क्या करेगा? डांस करेगा फ्रूटी गर्ल्स के साथ। वही ये कह रहे हैं, अगर 12 रन हो गए इनके तो आज फ्रूटी की लड़कियों के साथ तुमको डांस करना पड़ेगा। और सलील आउट हो गए हैं। सलील प्लीज, ये तोहफा है हमारी तरफ से, कबूल कीजिए। थैंक यू। मेरे को समझ नहीं आया, प्लीज स्टैंड आउट। हु इज स्टैंडिंग आउट? आउटस्टैंडिंग स्कूल में था नंबर 1, गलत हो गया। हाँ, ऐसा तो नहीं लग रहा करण भाई को चैलेंज ओवर में लेके। बहुत इजी है, करण भाई को भी बोलेंगे आ रही है। अपने साथ क्या हो गया लेकिन? यार मैंने मिस कर दी बॉल को, बस सिंपल है, 4 बॉल में 6 रन चाहिए, बन जाएंगे। और अब नेक्स्ट बैट्समैन बिंदिया आ गई हैं। और अब कोलकाता बाबू मोशाई से एक फीमेल बैट्समैन आ गई है चैलेंज ओवर में करण के सामने। फीमेल बैट्समैन, माय गॉड, सारे ट्विस्ट एक साथ नहीं हो रहे। तो बैटिंग करते हुए 4 पहले खिलाड़ियों में से एक लड़की का होना अति आवश्यक है। भाग गया, भाग। और ये भरत चावड़ा ने आउट कर लिया है विंध्या, जा चुकी है आते से। तुमने ये कैसे चैलेंज दे दिया कि अगर तुम जीते तो तुम डांस करोगे, हारे तो वो डांस करेंगे? हाँ, करण भाई डांस करेंगे, करण भाई डांस करेंगे, और अगर नहीं हुआ तो सलील डांस करेंगे। आपने अपना नाम दिया, चलो भाई आई की बात है, मजे दोनों में आप ही के हैं, इसमें मैं भी शामिल होऊंगा, प्लीज। और अब नेक्स्ट बैट्समैन शरद आ गए हैं, देखो अब ये कुछ कर सकते हैं कि नहीं। अब वाही और शरद आमने सामने, देख लेते कौन आज नाचेगा, कौन होगा गब्बर, कौन होगी बसंती। एक बॉल एक रन यार। अभी कुछ ज्यादा बड़ा कुछ बोल दिया तो क्या है ना, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते वाली बात हो जाएगी। सो जस्ट वेट फॉर 1 बॉल, लेट्स सी कि भगवान क्या चाहता है आज।
आई बिलीव कि आज गॉड इज विद अस। बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन है, लेट्स सी क्या होता है। गो 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 फेक फेक आवाज़ आवाज़। रन आउट। और इसी के साथ साथ कोलकाता बाबू मोशा ये चैलेंज ओवर जीत गया है और ये बनता है आज का मैंगो बैंगो मोमेंट जिसमें करण भाई डांस करेगा। करण डांस करने को तैयार। चैलेंज ओवर, कोलकाता बाबू मोशा जीत गया, वो भी करण भाई के सामने टीम ड्रैगन से 89 रन्स 5 ओवर के बाद कोलकाता बाबू मोशा के 3 विकेट के नुकसान पर। निवेदिता, आपने करण को क्या बोला? मैंने कहा हमारी लड़कियां बोल रही है उसका सिक्स पैक देखना है। ओ, तुम तो फेल हो गए। यार अब तो मेरा भी मन हो गया है सुन के एब्स देखने का। अब समझे मैं सिंगल क्यों हूँ। लड़कियां एब्स देखना चाहती इसलिए तुम सिंगल हो? भाई अब तुम्हारे लॉन्डे देखना चाहते हैं, हम क्या करें? हमारे कौन से लॉन्डे देखना चाहते? कोलकाता की लड़कियां देखना चाहती। लड़कियों को देखने दो ना, तुम इतने क्यों उतावले हो रहे हो? अरे बाप रे, चैलेंज ओवर हारने का गुस्सा नहीं है, कैच छोड़ने का गुस्सा है। करण किसका गुस्सा निकाल रहे हो मुझ पे? कैच छोड़ने का गुस्सा है यार, ये 89 अकेले मारूंगा मैं। निवेदिता ये बताइए ना, करण इतना बौखला क्यों गए? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं करण? चैलेंज ओवर हारने का गुस्सा तो नहीं है कही ये? आपके नीचे खड़े आप पूछ लीजिए यार। नहीं, हमें तो वो सीधे धमकी आ रही ऊपर, तभी मैंने कहा थोड़ा डिस्टेंस में पूछ लेते हैं। यार हमारे तो सब दोस्त हैं, हमें नहीं पता, हम तो दोस्ती में लेते हैं। सुयश आ गए हैं आप बॉलिंग पे, देखते हैं क्या ये विकेट लेके कोलकाता पे प्रेशर बना पाएंगे। शाबाश, 6 छक्के मारेगा सुलेल। बोले और ये क्या विकेट है भाई? करण भाई कह रहे कि अगले साल सलील आचार्य को यहाँ पे ले आओ, नेक्स्ट ईयर अकेला मारूंगा। क्या करना है नेक्स्ट ईयर करण? सर मैं 2 साल से देख रहा हूँ कि बोल रहा है बस। अच्छा बोल रहा है सर, खेल नहीं रहा? तो फिर बोल रहा है तो यहाँ बिठाओ ना मेरे। करण को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? कहीं उनको ऐसा तो नहीं लगता कि वो ये मैच हार जाएंगे? और इसी के साथ स्कोर हुआ है 92 रन्स 3 विकेट्स के नुकसान पर। और अब बॉलिंग पर आ गए हैं आदेश, देखते हैं अपनी बॉलिंग का कमाल ये दिखा पाते हैं या नहीं। और ये बहुत ही अच्छी बॉल आदेश की। मुझे तो क्यों लग रहा है कि दिल्ली ड्रैगन्स ने जो है ज्यादा फोकस ट्विटर की हरकतों पे किया ज्यादा, बजाय इसके कि वो इस चीज को एंजॉय करें, गेम को मजे लें। Exactly, that's what the point is. BCL is about fun. खेलते अच्छा है लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप मिसिंग है। कहीं सच में करण मेहरा कोलकाता को जिताने के लिए तो नहीं खेल रहे? शरद मल्होत्रा आउट हो चुके हैं। क्लीन बोल्ड हो गए। हाँ। लेकिन अच्छा खेल रहे थे, काफी इंटरेस्टिंग गेम हो गई थी। अभी भी है। कितना स्कोर जो है 93 पे आ गए हैं अभी तो? 100 बचने वाले हैं। तो अभी कितना मतलब?
150 तो होना चाहिए, होने चाहिए भी आप मानते हैं 150 होंगे। और अब कृपसूरी आ गए हैं बैटिंग करने, देखते हैं कि शरद के 150 रन का टारगेट ये सेट कर पाएंगे या नहीं। शरद क्यों चले गए यार? मतलब हाँ ऑफ कोर्स, एटलीस्ट यहाँ से पास से दिख तो रहे थे, सुनाई तो क्लियरली दे रहे थे। बीच में आके बैठ जाओ। हाँ ऊपर आके दिखाइए ना प्लीज। आ जाओ जो 100 पे आता हूँ, 100 पे आता हूँ, 100 पे। 100 पे सुदीप्ता के पास आके शरद बैठेगा भैया, ये वादा है। ओवर। 7 ओवर्स हो चुके हैं, 94 रन हो चुके हैं, 4 विकेट खोए हैं कोलकाता बाबू मोशाय ने इस वक्त तक। सुरेश आ गए हैं फिर से बॉलिंग पर, देखो अब ये विकेट लेकर प्रेशर बनाते हैं या नहीं। मजा आ गया ना? आनंद आ गया। देखो तुम नए हो, तुम्हें दो चार चीजें बताना बहुत जरूरी है। बताओ। वो ऐसा है। कैसा है? कि यहाँ पे फ्रूटी पियो, चाय बिस्किट खा लो, अच्छा सैंडविच भी खिलाते हैं ये लोग, अच्छा दो चार दिन ज्यादा काम करो तो खाना वाना टाइम पे आता है, अच्छा लेकिन लड़की मत टालो। क्यों? लड़की टालोगे तो क्या है, मेरा एक दोस्त हुआ करता था, बेचारा नहीं रहा, सुमित था उसका नाम, काफी दिन हो गए हैं, काफी शो निकल गए हैं, सुमित नजर नहीं आ रहा है, घर पे बहुत कोड़े पड़े हैं, मुझे कुछ पता चला है। बहुत बहुत ज्यादा लड़की ताड़ने पे? अरे मतलब पकड़ा गया है। क्यों करता है वो ऐसा? लोग रंगे हाथ नहीं, वो नंगे हाथ पकड़ा है। रन 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 रन। मेरे को ना यार ये इसके लिए बड़ा बुरा लग रहा है, करणवीर मेहरा के लिए, ना उसको बॉलिंग दे रहे हैं, ना उसको बैटिंग दे रहे हैं, उसको फील्डिंग करवा रहे हैं, रगड़वा रहे हैं उसको आदमी को, मेरे को बहुत टेंशन हो रही है उसको देखकर, आपका अच्छा दोस्त है। देखिए बहुत गलत बात है अगर उन लोग ऐसा कर रहे हैं, दोस्त तो मेरा वो रहेगा ही, वो वहाँ खेले यहाँ खेले छत पे खेले आईपीएल खेले, वो लोग दोस्ती अलग मतलब से रखते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है। गिरते पड़ते हुए भी फील्डिंग करी है आज। और इसी के साथ स्कोर हुआ है 99 रन्स 4 विकेट्स के नुकसान पर। और अब आदेश आ गए हैं बॉलिंग पर, देखते हैं फिर से विकेट लेंगे या नहीं। कोलकाता प्रेशर में नजर आ रहा है। ब्रिलियंट फील्डिंग बाय करण वाही। निवेदिता, किशोर बहुत सारे ऐसे फोटो वोटो दिखा रही है कि आपके इंस्टा पे रहता था, कलर प्रिंट आउट लेकर आई है वो बिल्कुल बाकायदा। उनको कोई काम नहीं है ना, इसीलिए काम हम नहीं चाहती क्या किशोर? नहीं, हम सब काम करते हैं। वाइट बॉल। और इसी के साथ कोलकाता बाबू मोशाय के 100 रन कंप्लीट। शरद ताली थोड़ी बजानी है सिर्फ, अब तो शरद आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो लड़की से मिलने खाली हाथ नहीं आते यार, बैट लेके आता है। हमें कम एग्रेशन है, ऐसे चलाए जा रहे देखो भर भर के, कम एग्रेशन, टिकेंगे टिकेंगे, मुझे लग रहा है 130 के आसपास तो होना, 130 140 होना चाहिए। योर्स योर्स योर्स, आराम से। और इसी के साथ बड़ी मुश्किल से एक रन, और इसी के साथ स्कोर हुआ है 103 रन्स 4 विकेट के नुकसान पर। 7 से 10 ओवर के बीच में भी एक लड़की का ओवर होना अनिवार्य है।
और अब श्रुति आ गई है बॉलिंग पर। यही है कोलकाता के पास मौका कि अपना स्कोर बढ़ा ले। और ये श्रुति जी की पहली बॉल पे छक्का। कैच इट कैच इट कैच इट। और अब नेक्स्ट बैट्समैन आ रहे हैं यतिन। देखते हैं कि यतिन कोलकाता के स्कोर को आगे ले जा पाएंगे या नहीं। शरद, एक कॉम्पिटिटिव स्कोर क्या होगा अपनी तरफ से? 130 तो आई थिंक हो जाएगा। हो जाएगा 130 तो हो जाना चाहिए। भाग भाग भाग। यस 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 यस। ओह, इट्स ओके, गुड थ्रो। लेग बाय। निवेदिता, किशोर कह रही है दैट यू लव हर। ऐसे अंगूठा ऊपर दिखा रहे हो, ऐसा मतलब जिसे प्यार नहीं। आखिरी बॉल है, इस पे छक्का भी लगेगा तो भी जो है 124 ही हो पाएगा, बराबर है। शरद की उम्मीदें शरद पार हो गई। यस यस। आशु आशु, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ओवा, 119 रन बनाए हैं कोलकाता बाबू मशाह ने, दिल्ली को बनाने हैं 120। जो आउट हो जाते हैं वो चुप रहते हैं। भैया बाप बाप होता है, आओ चल 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 चल, बॉल डाल बॉल डाल। बैटिंग के लिए आ रहे हैं आदेश चौधरी और स्टार बैट्समैन करण वाही। बॉलिंग करते हुए पहले चार ओवर्स में एक ओवर लड़की को करना जरूरी है और पहला ओवर ही वुमन ओवर। निवेदिता ओपन करेंगी कोलकाता का बॉलिंग अटैक। अब देखना है कि क्या कोलकाता इस टोटल को डिफेंड कर पाएगी। व्हाइट बॉल, कोई ना कोई ना कोई ना, थोड़ा अंदर। व्हाइट बॉल के साथ दिन की शुरुआत। ले ले। अरे वाह, क्या फील्डिंग करी है शरद ने। ब्रिलियंट फील्डिंग बाय शरद मल्होत्रा। मजा आ गया यार, पर ये कैच हो जाता ना, एपिक मोमेंट हो जाता आज के मैच का। अभी भी हो सकता है करण वर्सेस शरद। तुम्हारे पास इतने अच्छे दोस्त थे, बस गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, ऐशो आराम है, सब कुछ है, नाम है, मेरे पास माँ भी है, माँ भी है, फिर भी तुमको ये लोग डगआउट में बिठाते। मेरे दिल को ना से कटाक्षी होती है, ऐसा कुछ होता है ना। On a serious note, मुझे take my success and my stride in the same way. मैं ना रोता हूँ कि अगर कुछ ना हो मेरे साथ, और ना मैं खुश होता हूँ अपने success पे। फर्क नहीं पड़ता मुझे। अगर जीत भी जाते हो तो दोस्त तो हारोगे। नहीं नहीं, वो तो सब दोस्त हैं ही यार, उनको पता है मैं रन आउट कैसे छोड़ा, एक देखा आपने आँख मार के। नहीं नहीं, शरद को नहीं किया, सब करता रहता हूँ मैं, अपने दोनों तरफ से चेक चल रहे हैं मेरे। डगआउट में बैठने के 5 फायदे फ्रॉम करण मेहरा, क्या हो? पहला फायदा, ना सूजी है ना मलम है, और लड़कियां अलग खेल रहे हैं, लोग जो खेल रहे हैं मजे ले रहे होते हैं। दूसरा, बाकी एकदम आराम मिल जाता है तशरीफ को, आराम से बैठे रहो, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा फायदा, तीसरा फायदा तो आपसे यहाँ पे इंटरव्यू करने का मौका। चौथा फायदा, ये फ्रूटी दबा के पीता हूँ मैं, फायदा उठा रहा हूँ। पांचवा फायदा, अभी इस मैच के बाद बताऊंगा, अंदर की बात है, इनको नहीं बता सकता। और इसी के साथ स्कोर हो चुका है 19 रन। अब आए हैं बॉलिंग के लिए यतिन मेहता। आजा आजा आजा, लग गई लग गई। व्हाइट बॉल, 2 रन डिक्लेयर। ले।
इसके आगे बाकी सारे लगे बड़े भी। चल चल बेटा, लेट्स गो। और इसी के साथ साथ आदेश चौधरी को सलील आचार्य ने कैच आउट कर लिया। अब चरआउट में नहीं बैठोगे, बैठी आ गई है। जल्दी आ रहा हूँ, टेंशन मत लेना। पुराना बदला निकालने जा रहे हो? नहीं, बदला रही है तो अपने भाई लोग ऐसे। कंपटीशन तो खुद से है मेरा। चलो, करणवीर मेहरा, काफी समय तक डगआउट में बैठे हुए, इनका नंबर आ गया है। देखो देखो सामने से कौन आ रहा है। करणवीर मेहरा। अरे वाह भाई, करणवीर मेहरा। पिछले मैच का सपना मेरा पूरा हुआ है कि करणवीर मेहरा को खेलते हुए देख रहे हो, प्रीतम आ गया। देखो कौन आया है आज बैटिंग करने, करण मेहरा। अरे मेरे दोस्त आ गए, अगर उसने अच्छे रन नहीं बनाया ना, यहीं से उसको बैट से मारूंगी। और तुम याद है ना, रन बनाना चाहिए उसने। यार इज्जत तो है तो कोलकाता बाबू मशा ना, देखते ना बनाता है। कोलकाता का आदमी हूं लेकिन रन खिलाया हुआ है यार सबको हमने। क्या बात है भाई, करणवीर मेहरा आ गए बैटिंग के लिए, क्या कहोगे? तुम्हारी टीम के पुराने कैप्टन रह चुके हैं, ये भी नर्वस स्टार्टर है। एक दो बॉल सीधी आ गई, जो यतिन थोड़ी अच्छी बॉल फास्ट करता है तो वी माइट विन। चलो थैंक यू, थैंक यू। चलो चलो भाई। ओ मेहरा जी, प्रेशर में थोड़ी है? थर 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 कांप रहे हैं आप? दिल कांप रहा है? आप कांप रहे हो? दोनों दोनों कांप रहे हैं। और उधर कोई था ही नहीं। शरद, करण भाई ज्यादा अच्छा प्लेयर है, पर फिर भी मेहरा साहब का विकेट लेना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब अपनी पुरानी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं यार। दोनों करण को लेना इम्पोर्टेंट है। नहीं वाही तो ठीक है, वाही का तो लोगे, मेहरा साहब को कब भेज रहे हो वापस? मेहरा कह रहा है कि वो चेक दोनों तरफ से ले रहा है। शरद सही बात है, और ये छक्का। दो ओवर के बाद दिल्ली ने बना लिए हैं 41 रन्स सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर। करणवीर मेहरा, बड़ा अच्छा लग रहा है आप डगआउट से यहाँ पर खेलने के लिए आए। मुझे भी। करणवीर मेहरा अपने राइट हैंड साइड पे देख ही नहीं रहे जहाँ पे निवेदिता खड़ी है, ये देखो। ओह, इट्स अ करण अर्जुन मोमेंट। तू देख मेरी फोटो, तू देख मेरी फोटो, ले गले लग गए और पीछे से आग भी मार दी करण मेहरा ने। बड़ा ही मतलब धुरंधरबाज आदमी है ये। और अब बॉलिंग के लिए आए हैं सलील और फेस करेंगे करण भाई। सलील यही चाहिए, सलील। और ये घुमा के एक और छक्का। ये क्या देख रही हूँ मैं, वाही और सलील के बीच में इतना प्यार। सलील और करण की बनती नहीं है क्या? क्यों भाई, आपकी बनती क्यों नहीं है सलील से? ज्यादा डोल रहे हैं इसके, बोल बच्चन भी आपसे ज्यादा कर लेते हैं। हाँ उसमें कोई शक नहीं। वेट, पहले आउट करके बताओ, आउट करके बताओ। बेटा थर्टी बनाने ना। पहले आउट करके बताओ, आउट करके बताओ। ये करण और सलील के बीच में ये करण अर्जुन वाला प्यार क्यों चली जा रहा है? क्योंकि ये भूल गए हैं डैडी डैडी होते हैं। चलो आओ, आ बेटा आओ। अच्छा।
और ये वाही कैच आउट होते होते रह गए। ये तो कैच थी। It's okay, it happens, it's game. It happens, यार. Don't get angry, I'm telling you. पूरा मैच खेलेंगे ना आराम से। Please don't get angry, I'm telling you. बेटा, जो आउट हो जाते हैं वो चुप रहते हैं। भैया बाप बाप होता है, आओ। चल 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 बॉल डाल बॉल डाल। लग गई ऊपर। अबे भाग ना। कैसा गाइस कैसा। बस वो था। भाग ना। क्यों भूल रख? भाग ना तू। पागल हो गया? क्यों पागल हो गया? तो क्या हुआ? Dude, I don't want him on the field, यार। If I don't want him on the field, I'm serious. तीन ओवर्स के बाद दिल्ली ने बना लिए हैं 50 रन सिर्फ एक विकेट खोकर। फोर्थ ओवर के लिए बॉलिंग पर फिर से आए हैं यतिन मेहता। चलो यतिन अगली बॉल के साथ, और करण का गुस्सा भी बरकरार। और इसी गुस्से की बदौलत एक और छक्का। मतलब ये अग्रेशन और गुस्सा पूरा दिखा तो रहे हैं करण, बट जंग जो हारे हैं ना वो सलील से, मजा आ गया मुझे देखकर। ठीक है, एटलीस्ट रन बोल्ड। माय गॉड, मुंह बंद हो गया एकदम उनका। मुझे लग रहा है इसी के चक्कर में आउट हो जाएंगे आज। करण भाई, हाँ 100% दो आई एम विद डेरी टीम, बट आई डोंट नो व्हाई। तुम लगता है यतिन आउट कर देंगे? हो सकता है। तू यार बड़ा अच्छा खेल रहे थे यार, तुमसे बड़ी उम्मीदें थी। हाँ। लेकिन आज खैर वैसा गेम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अच्छा खेला तुमने। नहीं यार, आई थिंक मुझे ना शायद आज मैं बहुत अग्रेशन से खेलना चाह रहा था। यार तू कुछ ज्यादा ही अग्रेशन खेल रहा है। क्योंकि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हाँ। और कोलकाता को ये समझना चाहिए। अच्छा, इसने अच्छा हो गया कोलकाता बोला ना, मैं अपने पर ले रहा था। बहुत अग्रेशन में आज वो, और फिर कोलकाता ने उसी बहुत प्यार से ली भी है, तो बनता है इतना तो। बैटिंग करते हुए चार पहले खिलाड़ियों में से एक लड़की का होना अति आवश्यक है। सो फिरोजा आ रही है बैटिंग के लिए, दिल्ली की एक बढ़िया वुमन प्लेयर। शॉट सिक्स। यार हाईएस्ट स्कोरर फ्रूटी बीसीएल का करण, अभी शक्ल देखो उतर गई। करण रो तो नहीं रहे ना आज? आउट है, क्लियर आउट, बैट टच ही नहीं हुआ। दैट वाज आउट। हाउ इज दैट? Just can't believe this, फिरोजा भी आउट हो गई है। पहले करण भाई गए, फिर फिरोजा चली गई। दिल्ली के दो दो स्ट्रॉन्ग प्लेयर जा चुके हैं भाई। चार ओवर्स के बाद 65 रन्स और तीन विकेट्स हो चुके हैं अभी तक। और आशीष आ रहे हैं अगले बैट्समैन फ्रॉम द दिल्ली टीम। करणवीर मेहरा, यार क्या होगा दिल्ली के दो दो स्ट्रॉन्ग प्लेयर चले गए, आज आप सोच क्या हो कि आप अकेले खेलोगे कोलकाता के अगेंस्ट? बहुत डगआउट में बिठा लिया। ये कहीं तुम ही तो नहीं करवा रहे हो जो दूसरा चेक कर रहा है? ओवर पांच या छह बैटिंग टीम इन दोनों ओवर में से किसी एक ओवर को चैलेंज ओवर डिक्लेयर कर सकती है। चैलेंज ओवर में बैटिंग टीम बॉलिंग टीम के किसी एक बॉलर को चैलेंज कर सकती है।
अगर चैलेंज पूरा हुआ तो बनाए गए रन हो जाएंगे दुगने, नहीं तो मिलेंगे आपको शून्य स्कोर। चैलेंज ओवर, बोलर नेम हितेन, 12 रन टारगेट। मैंने मेहरा से पूछा कि बिकॉज आई डोंट वांट टू पुट प्रेशर ऑन हिम, ही इज चोजन हितेन भाई फॉर 12 रन एंड 12 रन बिकॉज अगर 12 बनते हैं तो हम 89 पे चले जाएंगे पांच ओवर में। विकेट्स भी हैं तुम्हारे पास, मतलब फालतू का प्रेशर क्यों हम लेना, मतलब जीत जाएंगे यार, आज मेहरा का दिन है, ही इज प्लेइंग फॉर मी टुडे। जीतने के लिए 55 रन चाहिए। लास्ट टू बॉल्स हैं, लास्ट टू बॉल्स। अच्छा हितेन, ये बोल रहा लास्ट टू बॉल तक तेरे को नहीं मारेगा, ठीक है? Okay. निकाल दे इसको, कम ऑन। और ये चैलेंज ओवर की दूसरी बॉल। ये करण एक्चुअली दिल्ली की टीम से खेल रहे हैं, आई जस्ट डाउट। यार दिल्ली को मैंने हारता हुआ नहीं देखा, लेकिन दिल्ली अगर आज हार गई तो बहुत बड़ा फालूदा हो जाएगा। मेहरा साहब कौन सी टीम से खेल रहे, सच बताइए एक बार। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। बल्ले का इशारा तो उन्होंने निविदा की तरफ करा है। शिक्षा गुड फील्डिंग बाय यतिन, बॉलिंग तो अच्छी की थी, फील्डिंग भी कमाल। मुझे तो ये लगता है कि दिल्ली का ये ओवर कॉन्फिडेंस कोलकाता का फायदा ना कर दे। शरद मेहरा साहब बना लेंगे क्या आपकी टीम के अगेंस्ट? 12 रन, दो बॉल बची अभी। क्या मैं क्या देख रहा हूँ, करणवीर मेहरा भी आउट हो गए, वो भी चैलेंज ओवर के दौरान। कहानी डगआउट से डगआउट तक, तुम डगआउट में बैठे रहे, डगआउट से बाहर गए, फिर डगआउट पे आ गए। ये तुम्हारा रिश्ता डगआउट से ज्यादा टूट बैठे थे कि आज करण मेहरा का दिन है। मैं भाई पे उम्मीद लगाया बैठा था, यही तो टीम का वो है, क्या कहते हैं उसे, एकजुटता कि भाई मैं तेरे पे तू मेरे पे। वही भी वही आ गए और तुम भी यही आ गए। चेक का तुम्हें पता तो नहीं लगा ना? नहीं, ये दोनों तरफ से आ रहा है। नहीं, वो तो तुम्हारा आ रहा है, तुमने सेटिंग की हुई है। लेकिन बाकी का क्या हाल है? बाकी का क्या कर सकता हूँ मैं यार, जिस तरह का कैलिबर है प्लेयर का उसी तरह होगा ना। ये डगआउट पे बिठा रहे थे, मैंने कहा तुम चेक दो, जब आऊंगा तो तुम्हारे लिए खेलूंगा, तो वही किया मैंने। अब आ रहे हैं मनिंदर। करण भाई क्या हुआ, रोना क्यों आ रहा है यार, आवाज ही ऐसी, क्या करें? पर शक्ल भी ऐसी हो रही है, शक्ल तो बड़ी सुंदर है आपकी। पप्पी ले लो फिर आके, मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी तो कुछ होती है यार। किस बात की, आप लोग कैसी बातें करो, बैग गए होगे, पी के आए होगे, पांच ओवर में 55 रन चाहिए इस ग्राउंड पे। मतलब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? क्योंकि आज बहुत इरिटेट किया आप लोगों ने। हमने किस अलिल ने, इसी के साथ साथ दिल्ली हार गई है, चैलेंज ओवर और कोलकाता जीत गया, तो दिस इज द मैंगो बैंगो मोमेंट। अब ये मैच अब बराबरी का मुकाबला हो गया है, कोलकाता इज बैक इन द गेम। स्कोर हो गया है 65 रन्स 5 विकेट्स के नुकसान पर। अगर मैं आपको सच सच बोलूं, दिल से बोलना, किस टीम में आना चाहोगे आप? क्या आपको अच्छा लगेगा हारने में? खेलना चाहूंगा। हारना चाहोगे आप? हारूंगा लेकिन खेलूंगा तो सही। सर हार के जीतने वाले को बाजीगर सिर्फ शाहरुख खान को कहते हैं और किसी को नहीं, बाकी सबको जो कहते हैं हम सबको पता है। सुयश प्रेशर आ गया है टीम पर, विकेट भी गई। सर पांच ओवर में 55 रन चाहिए, ये दिल्ली है जिससे आप बात कर रहे हो, शायद भूल रहे हो। विद ओवर कॉन्फिडेंस साउंड कर रहे हो अभी, क्यों बाकी टीम भी बोल रही है? कोई बात नहीं सर, मैच की बात करेंगे इस बारे में, कौन ओवर कॉन्फिडेंट था क्या। अगर हार के आऊंगा तो आपकी इस बात को एक्सेप्ट करूंगा कि हार के आऊंगा। तुमने एक और चीज कही है स्टार्टिंग में कि हार के आऊंगा तो अगर मैं कोलकाता से हार जाता हूं, हमारी टीम हारती है। वो भी है, वो भी है मेरी तरफ से होने, मैं अगला मैच नहीं खेलूंगा। और बोलो एक बार वो क्लियर कर दो सर, अगला मैच नहीं खेलूंगा, सेमीफाइनल नहीं खेलूंगा।
बॉलिंग पे एक बार फिर से सलील आचार्य आ गए। ओ बॉलिंग बॉय, सुपर बॉल सलील, बहुत बढ़िया। जब इनको लगता है कि मैच इनकी गिरफ्त में है तो फट से सलील आ जाते हैं। ऐसे कोई बहुत खूंखार बॉलर तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों आए। वैसे पोजीशन बहुत टाइट है इस वक्त दिल्ली की, आमतौर पे जो होती नहीं है। शरद बहुत गुस्सा हो गया चारू। अब मैं फायदा बताता हूँ, अगर कोलकाता बाबू मोशाई के पास चले जाते हो वहाँ टीम पर। बताओ। पहला फायदा निविदास बासु जैसी मालकिन, दूसरा फायदा काम, तीसरा फायदा कप्तानी, चौथा फायदा घर गाड़ी बंगला पैसा शरम शोहरत, और पांचवा और आखिरी फायदा मंचा खेलना नहीं मंचा मत खेलना। हाँ व्हाइट बॉल, बाबू मोशाई अगर आपको ऑफर देगा कि हमारे साथ वापस मेरे को सही बताओ तो हर टीम से खुला ऑफर है कि हमारी टीम में आके खेल लो। यहाँ पे यहाँ आराम से मेरे को बैठने को मिलता है और आराम से मसाज देते हैं और सर 6 नाइट 7 नाइट फ्री पैकेज, कभी कुछ कभी कौन से पैकेज करवा रहे हैं? ये सर रेडिसन के ओनर है जिनकी टीम है। क्या बात कर रहे हो, अभी आ जाओ बाय। इतना कुछ टीम में मिलता है? बहुत कुछ भाई, डगआउट में बैठने का इतना कुछ है? बैठने की मतलब मेरे को कभी कुछ कभी क्या बताऊं, मैं तभी तो बैठा रहता हूं, डील करा करता रहता हूं उनके साथ। 79 रन्स 6 ओवर्स में 5 विकेट जा चुके हैं दिल्ली ड्रैगन्स के। अब बॉलिंग के लिए आए हैं नमन शाह और दिल्ली को अभी चाहिए 24 बॉल्स पर 41 रन्स। शरद टेंशन में दिख रहे, शरद जवाब नहीं देना चाहते अभी। शरद एक भी कैच अगर आपने पकड़ लिया होता जो आपने छोड़े ना आज, तो दिल्ली तो कब की हार चुकी है। नो बॉल, टू रन फ्री, नो बॉल और एक फ्री हिट। क्या सुयश इस फ्री हिट पर 6 लगा के फायदा उठा पाएंगे? करण मेहरा, दिल्ली के डगआउट में इतना साइलेंस हमने सुना नहीं, आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली अभी से हार गया है? डगआउट तो मेरे बाप का है। चलो कम से कम इसी बात पे करण भाई हंस दिया, गुस्सा थूक दिया। दो शब्द तुझे भी निकाले उन्होंने, चैन पड़ा उन्हें। गुड फील्डिंग सूरी साहब, एक एक कैच जो करण का सूरी साहब ने छोड़ा था उसके बाद से दो बहुत अच्छी बॉल्स रोकी उन्होंने। ये लड़की हाथ जोड़ के खड़ी है कि मेरे पास बॉल ना आए, क्योंकि आए तो एक्सपेक्टेशन हो जाए कि तुम पकड़ोगी रोकोगी कुछ तो करोगी। कैच छोड़ने का तो इतिहास है इनकी टीम में। इससे घबरा के खड़ी है कि भैया मेरे ऊपर ना आए। मेहरा साहब, क्या आज आपको लग रहा है कि काश आपने अपनी पुरानी टीम ना छोड़ी होती? लग रहा है आपको ऐसा? उन्होंने ज्यादा बहुत ज्यादा रन बना लेते बेचारे अगर इन्हें ना छोड़ी होती। हाँ बोलो बोलो मेरा सब, क्या बोलो? 250 बनते बनते रह गए, 120 टीम के 130 मेरा। भाई से आज जवाब मत लो, सारे गुस्से में आएंगे। नहीं पर इसी बात से भाई का मूड अच्छा हो गया। ओवर की दूसरी फ्री हिट, क्या अब की बारी बैट्समैन कुछ कर पाएंगे? ओ
19 बॉल से 22 रन चाहिए दिल्ली ड्रैगन्स को जीतने के लिए. बैक इन द गेम. और दिल्ली के 100 रन कंप्लीट हुए 5 विकेट के नुकसान पर. 18 बॉल से 20 रन दिल्ली ड्रैगन्स को जीतने के लिए. दिल्ली ड्रैगन्स एक बार फिर से शायद जीत जाएगा. लेट्स सी अब हितेन तेजवानी के ओवर में क्या होता है. सुयश आ चुके हैं स्ट्राइक पर. और ये छक्का. तेरह रन चाहिए जीतने के लिए दिल्ली की टीम को 15 बॉल्स में. और इसी के साथ साथ दिल्ली के डगआउट में एक बार फिर से सबका मूड अच्छा हो गया है. इसी कारण का मूड अच्छा होना जरूरी था, वो भले ही हमें चटका कर हुआ. चल 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 चल. बॉलिंग बॉलिंग अच्छे. ओवर. करण आपकी माही साथ में बैठे हो बगल में. अच्छा ये है माही. नहीं भाई ये शादीशुदा है. शादीशुदा है तो क्या हो गया. तो क्या हो तो मैं भी हूँ. करण मेरा इसीलिए आपने शिफ्ट किया टीम्स को. हर कोई अच्छी टीम, माही अच्छी टीम में आना चाहेगा ना. हर कोई विनिंग टीम में आना चाहेगा ना. My love is here. मतलब अगर मैं आपको सच सच बोलूं, दिल से बोलना, किस टीम में आना चाहोगे आप? क्या आपको अच्छा लगेगा हारने में? हारने में खेलना चाहूंगा. हारना चाहोगे आप? हारूंगा लेकिन खेलूंगा तो सही. सर हार के जीतने वाले को बाजीगर सिर्फ शाहरुख खान को कहते हैं और किसी को नहीं. बाकी सबको जो कहते हैं हम सबको पता है. 111 रन 5 विकेट खोकर 8 ओवर्स. अब आए हैं बॉलिंग के लिए शरद. देखना होगा कि ये दिल्ली को 12 बॉल पे 9 रन बनाने देंगे. द बॉल फ्री. नो बॉल और फ्री हिट. कोलकाता और शरद तो ऐसे ये मैच नहीं जीतने वाले भाई. बड़े क्रूशियल है रन्स और 12 बॉल्स बचे. आराम से खेल सकते हैं टिक टिक करके. 8 ही रन्स बनाने बचे हैं. क्या शरद कामयाब हो पाएंगे ये मैच को आखिरी ओवर तक ले जाने में या फिर. चल 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 चल. एक और मोमेंट के बाद विकेट कीपर लिट गए और अब एक और रन चला गया. लेग बाय शरद. नाउ स्ट्रेट अप. मुबारक हो. हे मुबारक हो. क्या बात है. एक रन चाहिए जीतने को. यार ये रोज का हो गया. मैं बोर हो गया हूँ. तो अगले साल की प्लानिंग है यहीं पे रहना है या बाजू वाली टीम में आना है. अगले साल में सुनने में आ रहा है कि बहुत दोबारा टीम बटने वाली है. दोबारा अलग अलग होने वाले हैं सब. मतलब शफल होने वाला है सब कुछ. अच्छे अच्छे प्लेयरों को मतलब फिर खरीदा जाएगा बेचा जाएगा ऐसा कुछ. और इसी के साथ एक रन चाहिए बस अब जीतने के लिए. और इसी के साथ छक्का लगा और दिल्ली ड्रैगन्स मैच जीत गया. दिस इज द
मैंगो बैंगो मोमेंट। हमारे स्टार पार्टनर है लोमान पेज 3। दिल्ली ने 5 विकेट से कोलकाता को ये मैच में हरा दिया है और इसके साथ ही पहुंच गया है पूल बी के टॉप पर। साथ में है चेन्नई सेकंड पोजीशन पर जो भी सेमीफाइनल्स में पहुंच चुकी है, और बाकी तीन टीम्स के लिए इस फ्रूटी बीसीएल का सफर यही समाप्त होता है। इट्स टाइम फॉर द प्रेजेंटेशन सेरेमनी, और इसके लिए हमारे साथ में फ्रूटी रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर आर एन गोम्स, असिस्टेंट हेड ब्रांड बिजनेस एंड ऑपरेशंस। Delhi team representative Ashwini Sharma, owner Delhi Dragon. Kolkata representative Dushyant Kona, co-owner Kolkata Babu Moshai. Mango of the match. Suyash ke liye zor aur taaliyan. Fruity representative Mr. Alan Gomes, assistant head brand business and operations. Suyash ko ye samman de. हाँ जी, अगला है वुमेन ऑफ द मैच। सही जवाब श्रुति। और इसके लिए मैं बुलाना चाहता हूं दुष्यंत कोना, को ओनर कोलकाता बाबू मोर्चा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं मैन ऑफ द मैच की तरफ, और मैन ऑफ द मैच जाता है आशीष शर्मा, और इसके लिए मैं बुलाना चाहता हूं अश्विनी शर्मा, ओनर दिल्ली ड्रैगन्स। थैंक यू सो मच। फ्रूटी बॉक्स क्रिकेट लीग का आप भी हिस्सा बन सकते हैं। घर बैठे बैठे बनाइए अपनी खुद की टीम। टॉप 10 पार्टिसिपेंट फीचर होंगे कलर्स टीवी लीडर बोर्ड में हर हफ्ते, और टॉप 3 विनर्स को देखने मिलेगा फ्रूटी बॉक्स क्रिकेट लीग फाइनल मैच लाइव। तो डाउनलोड कीजिए कलर टीवी ऐप और बनाइए अपनी खुद की बीसीएल फैंटेसी लीग। और हमारे गेमिंग पार्टनर है hangama.com। फ्रूटी बीसीएल इतना पॉपुलर हो चुका है कि अब ये जा रहा है इंटरनेशनल। जी हाँ, टॉप 4 टीम्स ऑफ बीसीएल विल गो टू सैन फ्रांसिस्को खेलने इंटरनेशनल बीसीएल। फ्रूटी बॉक्स क्रिकेट लीग में अगला मैच होगा मेरी फेवरेट टीम कामया पंजाबी की जयपुर राज जोशीले और पूनम पांडे, नाम ना भी ले तो चलेगा, रावड़ी बेंगलोर के बीच। तो देखना ना भूलिए फ्रूटी बॉक्स क्रिकेट लीग शाम 4:30 बजे शनिवार और रविवार कलर्स पर। तब तक के लिए गुड नाइट एंड कीप प्लेइंग।